छह वर्ष में एक बार विधान परिषद का हर टाइम आते ही रहते हैं, तो हम लोग चौथा टर्म अभी चुनाव आ रहे हैं, दो टाइम हम प्रमुख भी रहे तो मतदान किए हैं। और चुनाव का मतलब जो है ना, विशेष जो है ना कि पार्टी जो थोपते हैं कि मतलब ये कैंडिडेट मेरा हुआ और ये कैंडिडेट मेरा हुआ, बिल्कुल मतलब पंचायती राज में कहीं कोई नियम ऐसा नियमावली है ही नहीं, कोई सिमोल किसी को मिलता नहीं है। और बेहतरीन जनता जो जनप्रतिनिधि है उसको आज तक जो मतलब विधान परिषद चुन कर गए हैं, आज तक उन लोगों को सम्मान नहीं मिला। और इस बार सब आदमी ने मन बना लिए हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी का वोट देके भेजेंगे और जनप्रतिनिधि के समान काम करेंगे, विधान परिषद में उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। कि डम्मी का निर्णय देने के वजह से हम चुनाव मिगागुल यादव को उतारे मैदान में, बाकी कोई रीजन नहीं था दूसरा। और तैयारी भी ऑलरेडी मेरा पहले से हो चुका था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हमने तैयारी किए थे और 9 तारीख हम लोग को पटना में बैठक भी हुआ, सब बातों से अवगत करा दिया हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के, जो जिला का पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक सब साथ में थे, अपने बातों को रखे। सर हम तो पहले भी कहे थे कभी सक्षम नहीं चुनाव लड़ने के लिए, उनके आदेश हुआ इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं, अब हम कम बैक होना संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। राजद के द्वारा MLC चुनाव को लेकर प्रत्याशी की लिस्ट जारी करने के बाद मधुबनी राजद में बड़ी फुट होने की बात सामने आ रही है। राजद के द्वारा मधुबनी से मेराज आलम को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ राजद के कद्दावर नेता गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब को भी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार दिया है। गुलाब यादव से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी के आलाकमान ने पहले हमें चुनाव की तैयारी करने को कहा, जब हमने तैयारी कर लिया तो उन्होंने मधुबनी में सबसे कमजोर उम्मीदवार मेराज आलम को चुनावी टिकट दे दिया। उन्होंने बताया कि राजद में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो NDA के उम्मीदवार को मदद करने के लिए ऐसा किए हैं। हम राजद को बचाने के लिए अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को चुनाव में उतारे हैं। बैठक गुलाब यादव राजद नेता पूर्व विधायक मधुबनी से मोहम्मद करीमुल्लाह की रिपोर्ट। ऑडियो जंगल।